नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। होली के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिनों के दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ दौरे पर जाएंगे और होली मनाएंगे। वहीं आज सोमवार को होली के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टूडेंट्स को शिक्षा के रंग में रंगा भविष्य संवारने का उपहार देंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 82 लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। वहीं सीएम जिले के होनहार स्टूडेंट्स को पुरस्कार राशि का चेक भी देंगे। बता दें, होली के पर्व पर सीएम आज से 4 दिन के गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वहीं 42 बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप देंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, होली के पर्व पर सीएम आज से 4 दिन के गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा सीएम योगी का? जी मयूरी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे को लेकर आज 12 बजे गोरखपुर जाएंगे। उससे ठीक पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 5 कालिदास मार्ग आवास पे आज 9:30 बजे यानी कि कुछ ही समय के अंदर वो अपने तमाम परियोजनाओं को जो धार देते हैं सुबह के समय शुभारम्भ करते हैं। बीते दिन वो बस की शुभारम्भ किए हैं। अभी अगर बात की जाए तो सहकारी गन्ना चीनी मिल समिति को वो 77 ट्रैक्टर देंगे। आपको बताया कि सहकारी जो चीनी मिल समिति है उसको कहीं ना कहीं वो ट्रैक्टर देने का काम करेंगे, जिससे जो तमाम सहकारी मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर बेहतर साबित हो सकेंगे। आपको बताया कि इसमें अगर बात की जाए तो इस समितियों की जो तमाम समिति हैं उसमें 77 ट्रैक्टर देने के बाद उसके ठीक बाद वो अपने आवास आएंगे। आवास आने के बाद वो 12 बजे से गोरखपुर की 4 दिवसीय दौरे पर के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बताएं कि गोरखपुर पहुंचने के बाद बाबा अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे। वहां जाकर वो कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनसे मिलेंगे, उनके बीच कहीं ना कहीं होली की खुशियों को बांटेंगे। साथ ही आपको बताएं कि विद्यार्थियों को पुरस्कार धनराशि और चेक देंगे, साथ ही साथ लैपटॉप भी बांटने की कवायद बताई जा रही है। आपको बताएं कि बाल सेवा योजना के तहत 82 बच्चों को लैपटॉप देंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो बाल सेवा योजना जो सरकार चला रही है उसके तहत डिजिटल क्रांति के में एक मुहिम के तहत वो बच्चों को लैपटॉप देकर डिजिटल क्रांति से जोड़ेंगे। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो दोपहर 3 बजे वो कौरिया जाएंगे, जहां पर CHC और पेडवेटिक ICU का शुभारंभ करेंगे, जहां 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों का इलाज हो सकेगा। वहीं आपको बताएं कि 2 CHC और साथ ही साथ ICU का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है गोरखपुर के सब क्षेत्रों में। और वहीं आपको बताएं कि लगभग 15 CHC की भी शुभारंभ करेंगे। उसके ठीक बाद वो देर शाम पांडेहाता पहुंचेंगे। वहीं आपको बताएं कि पांडेहाता में अगर देखें तो ये गोरखपुर क्षेत्र का वो इलाका है कि एक लंबे अरसे से होली के पहले शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें अगर बात करें तो गंगा जमुना तहजीब के तहत अलग अलग धर्मों के लोग इसमें शिरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में शिरकत करके क्षेत्रवासियों का और साथ ही साथ जो एकता का मिसाल ये यात्रा होता है उसमें अपनी एक योगदान देते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बताएं कि इसके ठीक बाद वो बाबा गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, जहाँ के वो महंत हैं, मठाधीश हैं, और वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बताएं कि 7 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में सुबह पूजा करेंगे, उसके बाद घंटाघर जाएंगे। घंटाघर जाकर और तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं एक लंबे अरसे तक गोरखपुर की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं, गोरखपुर से 5 बार के सांसद हैं, तो तमाम फरियादी उनसे मिलने आते हैं। बात की जाए तो गोरखपुर बलिया बनारस और आजमगढ़ तमाम जो पास के जिले हैं वहाँ से फरियादी अपनी फरिया समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने मंदिर आते हैं, तो इनसे मिलेंगे। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि RSS के तत्वाधान में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भगवान नरसिंह शोभा यात्रा।
उसमें वो शिरकत करेंगे और उस शिरकत करने के बाद देर शाम वो फिर मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। जी विवांशु, सीएम योगी गोरखपुर जाने से पहले लखनऊ को 77 ट्रकों की सौगात देंगे, तो इससे क्या कुछ लाभ मिलेगा और जब वो हरी झंडी दिखाएंगे कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे सीएम के साथ? जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सहकारी चीनी मिले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्व वाला होने वाला है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें 77 ट्रैक्टरों का तोहफे से नवाजेंगे। होली के ठीक पहले कहीं ना कहीं सहकारी मिल की जो समिति है वो ट्रैक्टर के उपहार से कहीं ना कहीं पाते हुए नजर आएगी। आपको बताएं कि इससे कहीं ना कहीं देखें तो प्रदेश के अंदर में जो सहकारी मिले हैं, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पैदावार के मामले में अगर देखें तो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार उत्तर प्रदेश में होता है और सहकारी मिले जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के अंदर में देती हैं। तो इन मिलों को कहीं ना कहीं ट्रैक्टर दिया जाएगा जिससे उनके काम में बेहतरी आएगी। साथ ही इस दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और साथ ही भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। जी जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। जिस व्यक्ति ने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी उसका एनकाउंटर हुआ है। पुलिस इस हत्याकांड में एक और एनकाउंटर कर चुकी है, ये इस मामले में दूसरा एनकाउंटर है। बता दें उमेश पाल हत्याकांड में एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है, गोली चलाने वाला उस्मान एनकाउंटर में ढेर हुआ है। बता दें इस मामले में पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर दिया है, ये इस मामले में दूसरा एनकाउंटर है। बता दें एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है जिसकी मृत्यु हो गई है। लगातार उमेश हत्याकांड कांड में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें जिस व्यक्ति ने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी उसका एनकाउंटर किया गया है। पुलिस इस हत्याकांड में एक और एनकाउंटर कर चुकी है, ये इस मामले में दूसरा एनकाउंटर है। गोली चलाने वाला उस्मान एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस लगातार उमेश हत्याकांड मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं फिर से एक बार बड़ा एक्शन लिया गया है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से पवन पटेल हमसे जुड़ेंगे। पवन, मिट्टी में मिलाने का काम और तेज हो गया है उमेश पाल हत्याकांड में, एक और शूटर को मारा गया है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया था और उस पूरे घटना में उमेश पाल तथा सुरक्षा में लगे दो सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई, पुलिस की टीमें लगातार इस मामले का अनावरण करने के लिए लगी हुई है और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमित शर्मा के द्वारा इस मामले को अनावरण करने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। आज भोर में कौंदियारा थाना क्षेत्र में विजय चौधरी उर्फ उस्मान नाम के अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से जो अपराधी है उसकी मौत बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे घटना के दौरान में एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी मौके की बात की जाए तो मौके पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने पूरे घटना को जो है बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया है। फॉरेंसिक की टीमें हैं वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। तो जिस तरीके से इस पूरे घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि इस पूरे घटना में शामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का किस तरीके से जमीनी स्तर पर असर दिख रहा है, क्योंकि इस घटना में शामिल कई अन्य आरोपियों के
घरों पर पुलिस और पीडीए की टीम द्वारा बुलडोजर से भी कार्रवाई की जा चुकी है। तो लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है वो सामने देखने को मिल रही है। जी मयूरी। पवन, आप घटना स्थल पर मौजूद हैं, एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल ये तस्वीरें हैं। देखिए ये वो तस्वीर है जहां पे पुलिस द्वारा क्राइम सीन क्रिएट किया गया है। बड़े बारीकी से आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे ये अपराधी है वो यहाँ पे गिरा हुआ था जब पुलिस की गोली लगी है। उधर कुछ छोटे छोटे से भी गोले बनाए गए हैं। बताया गया है कि वहां पे जो गोलियां हैं वो उनके निशान है जो आसपास आपको दिख रहा होगा। और ये आसपास का ये जो पूरा एरिया है जिसको पुलिस द्वारा क्राइम सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। और देखिये पुलिस की टीमें भी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि अभी मौके पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा आए थे जहां पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम का बड़े बारीकी से निरीक्षण किया है। और बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर फायर करने के बाद वो जो अपराधी है इसी रास्ते से उसने भागने की कोशिश की थी। पुलिस की कार्रवाई में अपराधी है वो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है वो साफ तौर से जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है। और पुलिस टीम लगातार इस पूरे मामले का अनावरण करने के लिए लगी हुई है क्योंकि पूरे बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था उसके बाद से पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों पहले भी धूमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी जिसमें अरबाज नाम का एक अपराधी वो भी मौत के काल में समा चुका है। और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं पूरे मामले को लेकर लगातार जो है कार्य कर रही है क्योंकि पुलिस द्वारा करीब 13 आरोपियों को नामजद भी किया गया है। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान लोगों में चर्चाएं हैं कि जितने भी अभी तक मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं क्योंकि बीते दिनों जब इनकाउंटर हुआ है उस पर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए गए थे लेकिन पुलिस के जो अधिकारी है पूरे मामले पर बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तब जाकर इस पूरे मामले को बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज पुलिस की टीम यहां पर अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान अपराधी मौत के ताल के गाल में समा चुका है तो उमेश पाल की पूरी घटना को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस की टीम लगातार इस पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है। जी मयूरी। पवन, अगर देखें तो उमेश पाल हत्याकांड में सभी आरोपी सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं जिनमें से दो का एनकाउंटर भी हो चुका है। अब लग रहा है जल्द ही पुलिस और भी आरोपियों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस द्वारा करीब 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। हालांकि ये एनकाउंटर जो आज का हुआ है और बीते दिनों जो एनकाउंटर हुआ है वो कई तरह से सवालों के घेरे में भी है क्योंकि जितने भी चेहरे अभी तक सीसीटीवी के माध्यम से सामने आए हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन अगर अधिकारियों की माने तो पुलिस की टीम लगातार उन आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है। हालांकि आज जिस तरीके से ये जो एनकाउंटर है ये बताया जा रहा है ये जो अपराधी है विजय चौधरी उर्फ उस्मान ये उस घटना के दौरान इसने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। लेकिन प्रयागराज के जो अधिकारी है जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने इस पूरे मामले पर अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि पूरे मामले को लेकर या अन्य जो जानकारी है उसको जुटाकर देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी देने की बात कही गई है। लेकिन इनकाउंटर जो है वो लगातार पुलिस की टीम साफ तौर पे तस्वीरें दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराधियों के पीछे पुलिस लगी हुई है। और जल्द इस पूरे घटना को लेकर पुलिस अन्य आरोपियों को भी तलाश करेगी और उनके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई करने की बातें सामने आ रही है। जी पवन, अगर देखें तो उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई जारी है, फिर चाहे वो एनकाउंटर की हो या बुलडोजर की कार्रवाई, तो क्या इस मामले में उमेश पाल के परिजनों का कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल, उमेश पाल की हत्या के बाद जब हमने उमेश पाल के परिजनों से बातचीत की तो उमेश पाल की मां ने साफ शब्दों में कहा है कि बुलडोजर से किसी का घर गिराने से उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जितने भी आरोपी है उनको मौत के घाट उतारा जाए तब कहीं जाके उमेश पाल की आत्मा को शांति मिलेगी। और जो परिवार के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से तो वो संतुष्ट है लेकिन आज अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो करीब 11वां दिन है और ऐसे में पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि घटना के दौरान करीब 7 से 8 आरोपी वो सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे देखे गए थे। हालांकि वो जो आरोपी है वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है लेकिन पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिनों पहले भी
धूमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को मौत के घाट उतारा था। जब मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पुलिस ने मार गिराया था। कहा जा रहा था कि उस घटना के दौरान वो जो अरबाज नाम का आरोपी है वो घटना के दौरान गाड़ी चला रहा था, और आज जिस आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है कहा जा रहा है कि इसने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। हालांकि पुलिस विजय चौधरी उर्फ पुष्पान के बारे में तमाम अन्य जानकारी भी जुटा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है किसका बड़ा आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर प्रयागराज के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले के मुकदमे भी है। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने कहा है किसके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। देर शाम तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, उमेश पाल हत्याकांड में लगातार एक्शन जारी है, एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ है, एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। जी देखिए, आपको बता दूं ये घटना 24 फरवरी की है, उमेश पाल हत्याकांड की। इसमें तकरीबन 7 शूटर होते हैं और 7 शूटर तुरंत उतरते हैं रोड से, और उमेश पाल की जैसी कार से उतरता है उसमें उसके ऊपर बमबारी करते हैं, गोलीबाजी करते हैं। इसमें एक सिपाही की भी उसके मौके पर मौत हो जाती है, और दूसरी सिपाही की लखनऊ जब रेफ़र किया जाता है संदीप, उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है लखनऊ के PGI में। उसके बाद से लगातार UP पुलिस SOG के रडार पर जितने भी शूटर्स हैं सब आ चुके हैं। तो 27 फरवरी की बात है, शूटर जो अरबाज है जो शूटरों को कार से वहाँ मौके घटना स्थल पर ले गया था, उसके बाद से उसकी कार से उतरकर गुड्डू मुस्लिम से लेकर अरबाज और उस्मान ने जो गोलियाँ चलाई थी, फायरिंग की थी और बमबाजी की थी, उसके ऊपर ये आरोप था। तो उसको UP पुलिस और SCF ने मार गिराया था 27 फरवरी को। और आज की बात है, आज एक और शूटर है उस्मान, उसकी मौत हो गई है, उसको उससे भिड़ंत हुई है SPF की और SOG की, तकरीबन सुबह की घटना है। फिलहाल अभी पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सुबह कितने बजे की घटना है, लेकिन कोढ़निया एक इलाका है लालपुर प्रयागराज, वहां पर ये शूट आउट हुआ है। क्योंकि माना ये जा रहा है कि उस्मान लालपुर का रहने वाला था, और तकरीबन पिछले 10 दिनों से SOG की टीम यहाँ पर डेरा जमाई होती है, SPF की टीम डेरा जमाई होती है, बड़े आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और उनका उन्होंने मुखबिर तंत्र पूरी तरह से मजबूत कर लिया था। उसके बाद से उस्मान की लगातार रेकी की जा रही थी, और हाथ तड़के सुबह उस्मान को UP पुलिस ने मौत के घाट एनकाउंटर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वहीं दूसरी बात आपको बता दूँ कि एक CM योगी ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो यहाँ दूसरा विकेट गिर गया है। और देवरिया के विधायक शैलमणि त्रिपाठी ने भी साफ से ये ट्वीट करके कहा कि यहाँ पर दूसरा विकेट गिर गया है और किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबका नंबर आएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार और शासन के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं इसमें अपराधी है इसके पीछे अतीक अहमद का भी नाम आ रहा था। अतीक अहमद फिलहाल अभी जेल में बंद है, उसका भाई जो है अशरफ वो भी बरेली जेल में बंद है, और उसकी जो पत्नी है शाइस्ता वो भी फरार है, और जो अतीक के दो नाबालिग बेटे हैं उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया, और एक सबसे बड़ा नाम ये आता है अतीक का जो बेटा है असद वो भी फिलहाल फरार चला, क्योंकि शूटआउट में इसका भी नाम सामने आया था। तो फिलहाल अभी 7 आरोपी हैं, क्योंकि 7 में से 2 को UP पुलिस ने ढेर कर दिया, बचे 5 उन पर 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख का इनाम कल देर शाम प्रशासन ने किया है। तो फिलहाल लगातार UP पुलिस SOG SPF जितनी भी जांच एजेंसियां हैं इनके पीछे लगी हैं, और इन्हें खंगालने में लगी है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद तीसरा विकेट भी गिरने वाला होगा। जी सागर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज में लगातार एक्शन जारी है, और किन शहरों में कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी देखिए, आपको बता दूं कि लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी में यहाँ पर पुलिस की, UP पुलिस की, प्रयागराज पुलिस की, SPF और SOG जो है यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। फिलहाल वाराणसी से भी कुछ इनपुट मिले हैं, फिलहाल अभी बदमाशों का पता नहीं लग पाया, लेकिन यहाँ लगातार पुलिस उन्हें छानने में लगी, उनके पीछे लगी हुई है। और यहाँ लखनऊ की बात बता दूँ कि बीते कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर असद का जो अपार्टमेंट है यहाँ पर, वहाँ पर छापेमारी की गई थी, वहाँ पर पुलिस को 2 कारें बरामद हुई जिसे पुलिस ने महानगर थाने में दाखिल कर दिया था। उसके बाद से लगातार असद के पीछे पुलिस लगी, इनपुट तो मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो इतने भी आरोपी जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि 7 शूटर्स थे, उसके पीछे 5 और कार दूसरे कार में बैकअप के लिए थे। फिलहाल 2 की मौत हो चुकी है, 2 को ढेर कर लिया है UP पुलिस ने, 5 की तलाश जारी है जिनके ऊपर 2.5 लाख का इनाम हो गया। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई लगातार हो रही है, वाराणसी में भी पुलिस बैठी है और प्रयागराज में भी और लखनऊ में भी। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए।
बता दें जिस व्यक्ति ने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी उसका एनकाउंटर हुआ है। पुलिस हत्याकांड में एक और एनकाउंटर कर चुकी है, ये मामले में दूसरा एनकाउंटर है। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है, गोली चलाने वाला उस्मान एनकाउंटर में मारा गया है। लगातार उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज भी एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें उमेश को गोली मारने वाला एनकाउंटर में ढेर हुआ है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।